In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. As far as we are going to start a new article, that's a very, very important long question that is about the strain energy. I have written the two definitions here. The number one is, it is defined as the work done to produce deformation. यानी इसका मतलब यह है कि जो काम आप किसी बॉडी के ऊपर करते हैं जस्ट टू प्रोड्यूस डिफॉर्मेशन यानी तब्दीली लाने के लिए, चेंज लाने के लिए, इसे हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। अब इसकी सेकेंड डेफिनेशन में आए तो आप ये कहते हैं कि इट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी। इसका मतलब यह है कि स्ट्रेन एनर्जी एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जो किसी बॉडी में स्टोर होती है, विच इज इक्वल टू द वर्क डन, जो बराबर होती है किसके वर्क के, टू प्रोड्यूस दिस डिफॉर्मेशन। यानी जो चेंज बॉडी में आया है वो वर्क डन जितना होगा वो हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी कहलाएगा, और स्ट्रेन एनर्जी इट इज एक्चुअली इट्स अ पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट वी डू एन एक्सपेरिमेंट, लुक एट दिस डायग्राम। फर्स्ट वी हैव द वायर इज देयर एंड इट इज कनेक्टेड विद सम हैंगर एंड इट्स लेंथ इज एल, एंड इफ वी एड द स्लॉटेड वेट्स, आई मीन वन वेट इज एडेड, then its extension increases and it increases to L1। ये आप देख रहे हैं कि इसकी लेंथ जो है ये बड़ी है, इसकी एक्सटेंशन बड़ी है क्योंकि आपने वेट ऐड किया। वेट क्या है? फोर्स है। तो जब फोर्स आप यहाँ पे ऐड करते हैं, वेट ऐड करते हैं, तो इसकी एक्सटेंशन इंक्रीज होगी एंड लेंथ इंक्रीजेस बाय L1। नो इफ वी आर एडिंग मोर वेट्स, आई मीन थ्री स्लॉटेड वेट्स, देन इट्स लेंथ एक्सटेंशन इंक्रीजेस एंड इट इंक्रीजेस टू L2। Friends, it means if we are adding the force, the extension definitely increases. The extension is L1, L2. And now come to this graph. Friends, look at this graph. It's a very, very important one. In that particular case, on horizontal axis, we take the extension, I mean L. And on the Y axis, we take the different value of the forces. So we have the small f, the extension is smaller, I mean delta x. And similarly, if we have the large force that is F1, then the extension increases to L1. And if they increase the value of the force F2, then its extension increases to L2. And similarly, so on. So, as you are seeing that this is our small force, you have put the extension, you are seeing this delta x is equal to this. And in this way, if you force ko increase karne, it increases to F1, so definitely the extension increases to, I mean, its length increases to L1. और इसी तरह अगर आप फोर्स की वैल्यू को और बढ़ा दें, F2 कर दें, तो आप देख रहे हैं कि अब एक्सटेंशन की वैल्यू बढ़ के कितनी होगी, L2 होगी, एंड सिमिलरली सो ऑन। अब हमारा टारगेट यहां पे ये देखें, ये हमारे पास ये स्ट्रिप है जिसमें एक्सटेंशन की वैल्यू मैंने यहां पे डेल्टा एक्स लिखी है। तो यहां पर जो वैल्यू ऑफ द फोर्स है ये मैंने स्मॉल एफ से मेंशन किया। तो यहां पर अगर आप वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें इस पोर्शन में, तो आप ये कहेंगे कि इन दैट केस वर्क इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा एक्स। सो दैट इज द स्मॉल फोर्स, F इज द स्मॉल वैल्यू ऑफ द फोर्स एंड डेल्टा एक्स इज द स्मॉल एक्सटेंशन। सो F इंटू डेल्टा एक्स दैट इज द वर्क डन। एंड इफ यू लुक एट दिस डायग्राम अगेन, वी हैव द डिफरेंट स्ट्रिप्स आर देयर। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि डिफरेंट स्ट्रिप्स हैं और इनके लिए वैल्यू ऑफ द फोर्स जो है वो वेरिएबल है। यानी हर स्ट्रिप के लिए वैल्यू ऑफ द फोर्स आप देख रहे हैं ये डिफरेंट है, यहां पे फोर्स की वैल्यू डिफरेंट है, यहां पे फोर्स की वैल्यू डिफरेंट है, यहां पे फोर्स की वैल्यू डिफरेंट है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप इसका मेथड ये होगा कि हर स्ट्रिप का अगर आप एरिया ले लें, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, यानी ये लेंथ इंटू विड्थ अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हर स्ट्रिप का एरिया आप यहां पर लेंगे और एंड पे सारों को जमा कर दें यहां तक, तो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा जस्ट टू प्रोड्यूस दिस डिफॉर्मेशन। अब यहां से ये आपने देखा कि यहां पे स्ट्रिप इसकी एक्सटेंशन की वैल्यू डेल्टा एक्स है और इसकी कॉरस्पॉन्डिंगली फोर्स की वैल्यू स्मॉल एफ है, तो यहां पे आपने देखा कि वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा एक्स के इक्वल। नाउ कम टू द सेकंड केस। अब यहां पे देखिए, इसके लिए फोर्स की वैल्यू को आपने इंक्रीज किया, F1 किया, और यहां पे आप देख रहे हैं इसके लिए एक्सटेंशन की वैल्यू कितनी है, L1 के इक्वल है। तो यहां तक अगर आप अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करना चाहें तो ये हमारे पास स्क्वायर्स, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, और अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया ले लें, यानी आई मीन OAB दैट इज द राइट एंगल ट्राइंगल, अगर आप इसका एरिया ले लें तो डेफिनेटली यू गेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन।
तो हमारे पास अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको आप यू लिखेंगे, दैट इज द राइट एंगल ट्राइंगल एंड इट इज इक्वल टू ओ ए बी के कॉल। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है जिसको हमने यहाँ पे मेंशन किया है ओ ए बी के कॉल। अब यहां से अगर आप वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो वर्क विल बी इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू दैट इज द एरिया ऑफ, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू ओ ए बी। सो दैट इज द राइट एंगल ट्राइंगल। स्टूडेंट्स लुक एट द केस ओ ए बी, दैट इज द राइट एंगल, हियर इज द राइट एंगल 90 डिग्री। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी के इक्वल आएगा। अब एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, बेस इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है। तो इसको आप यू लिखेंगे वर्क इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2। लुक एट द केस, बेस इज इक्वल टू इट्स लेंथ इज L1, सो आई मीन यू विल टेक L1 और हाइट आप देख रहे हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंगली फोर्स की वैल्यू कितनी है F1। तो यहां पे आप यहां पे F1 लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास ये वर्क डन स्टूडेंट्स ये बराबर हो गया किसके, L1 into F1 डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट लुक एट अगेन हियर, ये हम सेकंड केस की बात कर रहे हैं और ये हमारे पास यहां पे लेंथ L1 है और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली फोर्स की वैल्यू F1 है। तो अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया ले लें तो देन यू विल गेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू प्रोड्यूस द डिफॉर्मेशन एंड इट विल बी इक्वल टू L1 दैट इज द बेस एंड हाइट इज F1 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज इक्वल टू वर्क डन। अब स्टूडेंट्स आप ये कहते हैं कि यही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है जिसे आप स्ट्रेन एनर्जी भी कहेंगे एंड इट इज इक्वल टू F1 इनटू L1 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 के बराबर होगा। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास वर्क डन आ गया। अब सेकंडली यहां पे हम जो अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वायर जो आपने ली है इसकी नेचर पे भी डिपेंड करती है एक्सटेंशन। अगर कॉपर वायर है तो उसके लिए एक्सटेंशन डिफरेंट है, अगर आप सिल्वर वायर लेते हैं तो उसके लिए एक्सटेंशन की वैल्यू डिफरेंट है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिक सिटी अप्लाई करना पड़ेगा। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिक सिटी को हम ई से जाहिर करते हैं एंड ई विल बी इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के इक्वल। अब यहां से ई विल बी इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस, इट इज इक्वल टू फोर्स, आई मीन दैट इज F1 डिवाइडेड बाय एरिया। स्ट्रेन, स्ट्रेन इसमें चेंज इन लेंथ किसके बराबर है स्टूडेंट्स, L1 के, और टोटल लेंथ किसके बराबर है स्टूडेंट्स, L के को, जिसको मैंने यहां पे L से मेंशन किया हुआ है। स्टूडेंट दोबारा से देखिएगा, अब देखिए यहां पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिक सिटी हमने क्यों अप्लाई किया, बिकॉज डिफरेंट वायर्स हैव डिफरेंट एक्सटेंशंस, यानी डिपेंड्स ऑन द नेचर, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिक सिटी डिपेंड्स ऑन नेचर एंड इट इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, F1 ओवर A, स्ट्रेन को आप लिखते हैं L1 ओवर L। तो यहां से आप ये मेंशन कर सकते हैं E विल बी इक्वल टू, इसको आप ऊपर शिफ्ट कर दें, F1 L डिवाइडेड बाय A L1 के इक्वल। यू जस्ट सिंप्लीफाई, E इज इक्वल टू F1 L एंड A L1 के इक्वल। तो यहां से आप F1 की वैल्यू को स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं जस्ट बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, इट विल बी इक्वल टू ई ए एल वन डिवाइडेड बाय एल के इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई, यानी F1 इज इक्वल टू ई एल वन ओवर एल के इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू जो है वो आपने इस जगह पे दर्ज करनी है। तो आप पुटिंग दिस वैल्यू इन दैट इक्वेशन, इसे आप इक्वेशन 1 कह दें, पुटिंग दिस वैल्यू इन दैट इक्वेशन वी हैव द पोटेंशियल एनर्जी आर स्ट्रेन एनर्जी एंड इट विल बी इक्वल टू L1, F1 की वैल्यू लगा दें, इट विल बी इक्वल टू EA L1 डिवाइडेड बाय L, कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल L भी लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर। सो आई मीन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू L1 EA L1 ओवर L इंटू 2, यानी आपने ये वाली फोर्स की वैल्यू इस इक्वेशन में दर्ज कर दी। तो यहां से हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला आ गया स्टूडेंट्स, हाफ ई ए
एल वन स्केयर हाफ ई ए एल वन स्केयर डिवाइडेड बाय एल आएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक स्ट्रेन एनर्जी का रिलेशन आ गया। लुक एट हियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ई ए एल वन स्केयर, दैट इज एल वन स्केयर डिवाइडेड बाय एल, सो दैट इज द स्ट्रेन एनर्जी। That is the strain energy, and what is its SI unit? Because it is the potential energy, and its unit is joule. So joule is the unit of the strain energy. And students, if we keep on going, I mean, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि इस particular case में यहाँ पे अगर कोई body है, इसकी extension L2 है और यहाँ पे force F2 है। अब इस particular region में अगर आप calculate करना चाहें strain energy या work done, तो ये हमारे पास ये वाला portion जो आप देख रहे हैं, that is a trapezium. So ये trapezium कहलाता है, और trapezium में आप देख रहे हैं कि इनमें कोई भी साइड जो है कोई भी इक्वल नहीं है, यानी ये साइड इसके इक्वल नहीं है और ये साइड इसके इक्वल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इस trapezium का एरिया लेंगे। trapezium का एरिया कैसे लेते हैं, यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करें तो हमारे पास ये स्टूडेंट्स टू डायग्राम्स बन गए, एक राइट एंगल ट्राइंगल और दूसरा ये आप देख रहे हैं ये रेक्टेंगल है। तो इन दोनों एरियाज को जमा कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ दी ट्रैपीजियम। तो इस तरह से आप स्टूडेंट्स स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। स्ट्रेन एनर्जी इट्स रिलेशन इज हाफ ई ए एल वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल के को, सो दैट्स अबाउट द स्ट्रेन एनर्जी। एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस मोर थिंग्स। थैंक यू ऑल।